राजकुमार जी, बात बताइए, आज एससी एसटी ओबीसी सभी समाज चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बने, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बारे में बताएं। देखिए ये क्यों चाहते हैं ऐसा कि प्रधानमंत्री बने देश की? माननीय काशीराम साहब ने कहा कि आज वो सीएम हैं, मेरी दिली इच्छा है कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बने। ये 2000 के आसपास 2001-2002 में कई बार उन्होंने इस बात को कहा कि वो आज सीएम हैं, वो एमपी हैं, सीएम हैं, आगे पीएम भी बनेंगे। वास्तव में किसी भी राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक पार्टियों के रूप में परिलक्षित होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होता है कि देश के शासन पर अपना अधिकार जमा जाए, और भारत में जो हाईएस्ट पॉलिटिकल पोस्ट है वो प्रधानमंत्री है। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने समाज के अंदर ये आकांक्षा डेवलप कर दी, ये महत्वाकांक्षा डेवलप कर दी कि हमें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना है, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू किया, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को बनाने का या निर्माण करने का प्रयास शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी ये परिस्थितियाँ बनने लगी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि आज किस तरह से मनुवादी जातिवादी ताकतें अपना सर उठा रही हैं, भारतीय संविधान के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, आम व्यक्ति के रोजगार को कुचल दिया गया, एससी एसटी ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर लगता है कि एक सशक्त नेता होना चाहिए जो ना सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को सुरक्षित रख सके, बल्कि देश के संविधान पर आए खतरे को भी बचा सके, और जो मनुवादी ताकतें हैं उनको भी कुचल सके। इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहन कुमारी मायावती एक सशक्त विकल्प के रूप में नजर आती है, एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के रूप में नजर आ रही है। ये आकांक्षा मुझे लगता है कि बात सकारात्मक है, लोगों के अंदर विचार है, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, क्योंकि वो एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत है और 80 लोकसभा के सांसद वहाँ से चुन के आते हैं, उन्होंने एक अच्छा गठबंधन भी बनाया है, और क्योंकि आने वाला समय गठबंधन का होगा। माननीय काशीराम कहा करते थे कि हमें मजबूत सरकारें नहीं, मजबूर सरकारें चाहिए होती हैं, जहाँ पे बहुजन समाज के हितों को आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अच्छे से जीतकर वो देश की राजनीति में अपने दबदबे को कायम कर सकती हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं आज इस तरह की परिस्थितियाँ।